मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसे क्या इकदामात करने चाहिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो डरे नहीं और वो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप यहाँ पे चले जाएं, आप यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर के पास बैठे और आप वहाँ पे फोन पे बात करें कि हाँ जी मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, तो टैक्सी ड्राइवर वाला भी आपको बोलेगा मैं आपको दिला देता हूँ। तो हमें दिन पर दिन दीवार के साथ लगाया गया, महंगाई ये गुर्बत की लकीर से जब आवाम नीचे आ चुकी है, ये सिर्फ आवाम के लिए ऐसी बातें क्यों इस्तेमाल की जाती है, ब्यूरोक्रेट के लिए क्यों नहीं की जाती, ये सियासतदानों लोगों के लिए कोई भी है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई भी आर्मी ऑफिसर है, इनके लिए गुर्बत क्यों नहीं है। अपार्टमेंट फ्लैट हर चीज आपको मौके पे जाके दिखाते हैं, रेट उसका बताते हैं, लोकेशन उसकी दिखाते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि घर बैठे लोग बखूबी तरीके से इसको विजिट कर सके और बता सके। आज की वीडियो हम एक जनरल टॉपिक पे लेकर आए हैं, हमारे साथ मौजूद है मैडम हया सारा और इनके लिए और इनके साथ मिलकर हम इस टाइम में पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो एक डिपार्टमेंट है या रियल एस्टेट जो एक सेक्टर है जो इस टाइम मुतासरीन में शामिल हुआ है और जितने भी एजेंट है वो परेशान है और वो क्यों परेशान है, पाकिस्तान के क्या हालात है, रियल एस्टेट को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। इन्वेस्टर ये वीडियो लाजमी देखें और जो लोग प्रॉपर्टी लेने के ख्वाहिशमंद हैं वो भी जरूर ये वीडियो देखें। आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको अच्छा खासा फायदा महसूस होगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हुआ चलूं, ये मैडम हया सारा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाई है, हमारे ऑफिस तशरीफ लाई है और हमें कैमरे के पीछे जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये सारी बातें अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें, तो हम आपके सामने इस टाइम बैठे हुए। कैसी हैं आप? ठीक है, जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह ताला का। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में। मैडम हया, मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है और अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट पे हम चंद साल पीछे चले जाएं, से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं और खास तौर पे इस्लामाबाद की मार्केट को मैं देखूं तो इस्लामाबाद की मार्केट का रूज था रियल एस्टेट पे, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, इन्वेस्टर क्लाइंट एजेंट छोटे पैमाने पे जो डीलर बैठा हुआ था और बड़े पैमाने तक हर जगह लोग फायदा उठा रहे थे रियल एस्टेट डिपार्टमेंट से। अब सरकारी सतह में रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट हुए, उसमें क्या खराबत आई है, एजेंट्स जो है उन्होंने क्या खराबत पैदा की है, क्लाइंट और इन्वेस्टर की तरफ से क्या खराबियां पैदा हुई हैं, इन सारी बातों पर हम रोशनी डालेंगे, पाकिस्तान पर रोशनी डालेंगे, हमने इस मुल्क को बचाना कैसे है इस पर रोशनी डालेंगे, रियल एस्टेट डिपार्टमेंट को कैसे बचाना है हम इस पर रोशनी डालेंगे। तो आपके जहन में अगर किसी किस्म की कोई बात है, कुछ पूछना चाहती है या कुछ बताना चाहती है तो हम वीडियो का आगाज शुरू करते हैं। देखिए अब्दुल्ला साहब, जैसे आप हम कैमरे के पीछे बैठकर बात कर रहे थे कि हम बेसिकली डिपेंड हुए हैं दूसरों पर, उनमें हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, मुल्क के हालात हैं, हम उन पर डिपेंड हुए हैं, हम खुद के लिए खुद मेहनत नहीं कर रहे, उसमें हर किसी का अपना अपना एक अहम रोल है, हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, हम उनके हालात और चीजों पर ध्यान दे रहे। तो मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए रियल स्टेट के लोगों को या रियल स्टेट के खास तौर पे इन्वेस्टर्स को जो इस वक्त में जबकि प्रॉपर्टी डाउन है वो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हम उनके लिए क्या ऐसे मतलब उनको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो डरे नहीं और वो इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपके एक सवाल में बेशुमार सवालात हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सारे सवालात का
तफसीलन और अच्छे तरीके से जवाब दे सकूं आपको। सबसे पहले तो आपने सवाल मुझसे ये किया कि रियल एस्टेट पे ऐसा क्या करना चाहिए जो रियल एस्टेट जो एजेंट है वो थोड़े बेहतर बनाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ना ही तो भी कसाई जो बंदा देख रहे हैं, सब्जी वाला देख रहे हैं, दूध वाला देख रहे हैं, दही वाला देख रहे हैं, जिसको प्रॉपर्टी और इवन कि उसको टैक्स तक का नहीं पता कि रजिस्ट्री इंतकाल पे या फाइल ट्रांसफर पे कितने टैक्स होते हैं, कि पर मरला कितने स्क्वायर फुट का होता है, पांच मरले की प्रॉपर कटिंग क्या होती है, फिलिंग वाली लैंड कौन सी होती है, लोकेशन किसको बोलते हैं, एनओसी एलओपी किसको बोलते हैं, वो उनको अंदाजा नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे चले जाए, आप यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर के पास बैठे और आप वहां पे फोन पे बात करें कि हाँ जी मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, तो टैक्सी ड्राइवर वाला भी आपको बोलेगा भाई मैं आपको दिला देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए और हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का वो स्पेशलिस्ट है। अगर हर बंदा डॉक्टर बनने लगे, हमारे मुल्क में पहले कहावत थी कि इस मुल्क में ना बड़े एक आम पत्थर उठाओ तो आपको एक मुफ्ती मिल जाता है और एक डॉक्टर मिल जाता है। तो ये कहावत इसलिए बनी थी क्योंकि यहाँ पे अगर आपके दीन के मसले में किसी से गुफ्तगू करेंगे या बात कर लेंगे तो वो आपको फट से ऐसे फतवा दे देगा जैसे कि भी वो एक आलम दीन है, हालांकि वो आलम दीन होता नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी भी जगह में बैठ के कहें मेरा पेट खराब है, मेरे सर में दर्द है, तो कोई बोलेगा भाई कोई नमक के पानी के गरारे कर लें, कोई बोलेगा भाई हल्दी के दूध के अंदर हल्दी डाल के पी लें, तो कोई बोलता है कि भाई रात को उल्टा सो जाए, चांद को देख लें, कोई कहता है कि भाई स्टेमिना लिख लें, कोई क्या कहता है। तो हर बंदा एक डॉक्टर और यकीन बना हुआ है, तो इसी तरह हर बंदा एक रियल एस्टेट एजेंट बना हुआ है। तो आप लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें, बेशक वो एक 10,000 रुपए का कमरा क्यों ना मकान रेंट पे लेना चाहें, उसके लिए भी एक प्रोफेशनल को देखें। ये चीज तब ठीक होगी जब आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करेंगे जो रियल एस्टेट प्रॉपर एजेंट होगा, जिसकी मसरूफियत ये होगी, उसको पता होगा कि एग्रीमेंट पे क्या शिकायत होनी चाहिए, किस तर्ज पे एग्रीमेंट बनना चाहिए जिसमें मालिक मकान और किराएदार दोनों महफूज हों। और साथ साथ अगर ये तो किराए का बहुत छोटा एक चीज मैंने बता दी, अगर आप प्लाट लेते हैं, प्लाजा लेते हैं, यूनिट लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, शॉप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, प्रॉपर एक प्रोफेशनल का इंतखाब करें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि इस काम पर और बेहतरी कैसे आएगी, सरकारी सतह पर देखें, सरकार ने बेनतहा जुल्म किए हैं हम पर, ठीक है जी, ख्वा वो वीगो डाले वाले लोग हों, ख्वा वो हमारे मुल्क के वजीर आजम हों। वो मैं ये बिल्कुल साफ लफ्जों में बयान करना चाहूंगा अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म के जरिए से, हमें दिन पर दिन दीवार के साथ लगाया गया, टैक्स का एक हजूम हमारे सरों पे रखा गया जो कि एक पहाड़ नुमा बन चुका है, और यहां तक बात महदूद नहीं रहती और दिन पे दिन इस पे इजाफा कर रहे हैं। रियल इस्टेट की खुदारा हम आपसे अपील करते हैं कि ये एक ऐसा शोबा है जिससे पाकिस्तान को बेहद फायदा है, इसकी सेल परचेज पे पाकिस्तान का फायदा है, जितनी सेल परचेज होगी उतना पाकिस्तान का फायदा होगा। टैक्स हमारे सरों पे मुसल्लत कर लेना, मुख्तलिफ किस्म की शिकें रख लेना, जगह जगह पे हर्डल्स रख लेना, इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं है। पाकिस्तान को फायदा तब है जब रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट जब आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान के पास टैक्स ज्यादा जमा होगा, पाकिस्तान की रेवेन्यू बेहतर होगी, टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा पाकिस्तान के पास। तो सरकारी सतह पे जितने इस पे मुश्किलात पैदा की जाएंगी, एजेंट के लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी, तो वो आपके लिए, मेरे लिए और हर एक के लिए कर रहा है। लास्ट में एक सवाल किया कि आपने इन्वेस्टर के लिए बेहतरी कैसे आएगी, इन्वेस्टर पाकिस्तान को, कुल मिला के हर सवाल का जवाब का फायदा एंड ऑफ द डे जो नुक्ता है हमारा, वो नुक्ता है पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ, हर चीज का इशारा करता है पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ। अब देखिए, हमारा एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करता है, खाता पाकिस्तान का है, पीता पाकिस्तान का है, रहता पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में, बीवी पाकिस्तान में, इवन के इनके बुजुर्गों की कब्रें पाकिस्तान की, नेशनलिटी उसके बाद पाकिस्तान की, इन्वेस्टमेंट उसके बाद बाहर। जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी पाकिस्तान की कमाई या पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान से क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये सियासतदान आपको ठीक करके देखेंगे? ये सियासतदान सिर्फ अपने आप को ठीक करेंगे, ये ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने आप को ठीक करेंगे, ये महंगाई, ये गुर्बत की लकीर से जो आवाम नीचे आ चुकी है, ये सिर्फ आवाम के लिए ऐसी बातें क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, ब्यूरोक्रेट के लिए क्यों नहीं की जाती, ये सियासतदानों लोगों के लिए, मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा बन के आपसे बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सियासी बंदा जो भी है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है,
कोई भी आर्मी ऑफिसर है, इनके लिए गुर्बत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनके पास पेट्रोल है, इनके पास बिजली है, इनके पास नौकर चाकर है, इनके पास गाड़ी है। इनको क्या पता कि बिजली का यूनिट कितने का है? इनको क्या पता कि भाई प्रॉपर्टी में किस कदर आवाम परेशान है? मकान एक जरूरत के साथ एक सपना भी है, मकान के साथ लोगों के जज्बात जुड़े हैं। प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं ली जाती, लोग सुकून के लिए लेते हैं। हर बंदे का, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपका ख्वाब नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर एक आपको अपना घर हो? सिर्फ एक? Of course, किसी का ख्वाब? आप बाहर 10 लोगों से पूछें, 10 में से 10 आपको ये कहेंगे कि हाँ जी हमारा ये ख्वाब है कि हम अपना घर बना लें। इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान में कहीं भी अपना घर बना लें, जहाँ पे वो रहे, जहाँ पे उनका कारोबार है, जहाँ पे उनका रोजगार है। ऐसी बात है या नहीं? तो इस चीज को आसान करें। जितनी रोटी जरूरी है उतना मकान जरूरी है, जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतना मकान जरूरी है। जब इन लोगों ये अपने आयाश, अपने आराम देह में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, हमारे कुरान जितने भी हैं अवाम को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के बोलते हैं कि भाई ये वक्त है मुश्किल का, आप हमारा साथ दें और मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। तो लिहाजा मैसेज मेरा ये है, इस जगह में आके मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो मेरा हतमी एक नतीजा मैंने निकाला है, हम सब ने अपने घर को मजबूत करना है। अगर इसमें से 4, 5 या 22 लोग करप्ट हैं या सही नहीं कर रहे, तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जिसकी जितनी चोंच है, जिसका जितना जबड़ा है और जिसका जितना पंजा है, वो उसको नोच रहा है पाकिस्तान। मैं कहता हूँ सबसे पहले आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, फिर ये ठीक हो। हम जब तक किसी से उम्मीद लगा के रखेंगे, अब हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में चंद रोज पहले आपने देखा होगा सिग्नल नहीं थे, हालात खराब थे, धरने थे या किसी ना किसी वजूहत के बिना, किसी ना किसी वजूहत के बिना पर जो है ना वो ऑफिस इस्लामाबाद बंद था। आप यकीन जाने मैं वो शख्स था कि मैंने हर हाल में ऑफिस खोला, मैं ऑफिस में मौजूद था, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, अपने क्लाइंट्स की जो क्यूरीज थी, अपने क्लाइंट्स के लिए जो वर्किंग करनी थी, किसी को कोई चीज भेजनी थी, किसी से कोई चीज मंगवानी थी, तो जितना काम मैं कर सकता था मैंने अपना 100% दिया। 10 से 8 घंटे में बैठा, अपना 100% दिया। ये जब काम आप करेंगे, आप बहाने नहीं तलाश करेंगे आराम के, आप जब ये काम करेंगे, खुद ठीक हो, खुद काम करें और काम करने के बाद किसी किस्म का बहाना तलाश ना करें, अपने आप को 100% दें, इस मुल्क को 100% दें। ये मेरा मैसेज है आपके लिए, और किसी से उम्मीद ना रखें, वा वो कोई भी सियासी पार्टी का हो, वा मजहबी पार्टी का हो, वा वो किसी भी इदारे का हो, आप किसी से उम्मीद ना रखें, अपने से उम्मीद रखें। जब आप अपने से उम्मीद रखेंगे, खुद भी तरक्की करेंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया, बहुत वाज़ह अल्फाज में उन्हें समझाने की कोशिश की, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारा जो रियल एस्टेट है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है, और इस वक्त में आया हमारे रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा इन्वेस्टर कमाता यहाँ के, बुजुर्ग उसके यहाँ पे दफन है, मिट्टी का वो यहाँ का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करता है बाहर जाना। ठीक है, तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हम ठीक तब होंगे जब हम सब एक बनेंगे, एक कौम बनेंगे। जब हम एक कौम बनेंगे तो फिर जाके हम ठीक होंगे। आप इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात रखें, राइट टाइम राइट इन्वेस्टमेंट, तो सही जगह का इंतखाब करें। जो बंदा आपको फ्यूचर बेच रहा है वहां पे बन जाए। मेरा हमेशा एक चीज होती है, मैं कहता हूं अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये आज जो चीज मैं बेच रहा हूं ये वो आज के तारीख के पैसे मैं आपसे मांग रहा हूं, फ्यूचर के पैसे मैं फ्यूचर में मांगूंगा जब फ्यूचर में मेरे पास आएंगे। तो मैं फ्यूचर के पैसे एडवांस में नहीं मांगूंगा, आने वाले 3 साल बाद 4 साल बाद का रेट मैं आज आपसे तलब नहीं करूंगा। तो सोचें, देखें, म्यारी अच्छे बावकार प्रोजेक्ट हो, कोई सोसाइटी हो, किसी भी सोसाइटी का नाम ले लेते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन उसके मुतल्लिक अच्छी तरह तसल्ली करें। कुछ सोसाइटीज इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसी हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से या जहां पे लोग बेतहा परेशान हैं, तो वहां उस जगह से गुरेज करें, अप्रूव प्रोजेक्ट पर जाए, रजिस्ट्री या रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्रोजेक्ट पर जाए या डिलीवर प्रोजेक्ट पर जाए। जो चीज आपको मौके पे चीज नजर आ रही है आप उसको ले सकते हैं, और लेने के बाद उस पर
कर सकते हो। और इन्वेस्टर को मैं ये बात कहूंगा कि इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान पे आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये डैम है मार्केट के रेट, आप किसी भी G11 सेक्टर के हम ले लें, G11 सेक्टर में हमने देखा आज से दो ढाई साल पहले 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 80 लाख के दरमियान 5 लाख कंडीशन वाइज रेट था मकान की कंडीशन, जैसे ब्रांड न्यू और रेनोवेटेड है और डिमोलिशेबल है, ठीक है। ब्रांड न्यू मकान जो है वो 260 से लेकर 280 तक आज से 2 ढाई साल पहले हमें यहाँ पे मिल जाया करता था, 3 साल का मैक्सिमम, ठीक है। आज हम देखते हैं तो वो 5 करोड़ है, और 5 करोड़ अभी का नहीं बना, ये 5 करोड़ काफी टाइम पहले का है, और ये रेट रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ी सी बैठी हुई है, ये अब बेहतरी की तरफ जाएगी, ये आखिरी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ये वीडियो इस तारीख को याद रखें कि जो हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, अगर अब इन्वेस्टमेंट नहीं की कल को आप पछताएंगे। साइबर प्रॉपर्टी एडवाइजर एक मायारी प्रोजेक्ट है, और हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या उसको अपने क्लाइंट को रेफर करते हैं तो उस प्रोजेक्ट पे रेफर करते हैं जो कि बावकार हो, जहाँ पे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट महफूज हो, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जहाँ पे क्लाइंट को अपनी इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो। अच्छा, आकिब अब्दुल्ला साहब, मुझे एक और मसला जो दरपेश आता है वो सबसे ज्यादा इस वक्त ये है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है द प्लाजा डिस्ट्रिक्ट के नाम से, जो कि बहरिया टाउन फेज 8 में है, कि क्लाइंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं देते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक प्रोजेक्ट बना रही है जिसपे आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, इसकी 2 वजूहत है। पहले हम आपको वजूहत बताएंगे, उसके बाद फिर इसका साइड इफेक्ट भी बताएंगे। पहली वजूहत ये है कि लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए क्यों हैं? कि लोग इसलिए डरे हुए हैं कि हाँ जी हम इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे और वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं होगा, या भाग जाएंगे, या वो है किसी ना किसी, उन्होंने आके मार्केटिंग कोई आपकी देख के उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट से रोक ली, तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हालात इस कदर बेहतर नहीं है कि लोग इंस्टॉलमेंट सपोर्ट कर सकें। एक तो हम अपने प्रोजेक्ट अपने सोसाइटी वाले और जितने भी प्रोजेक्ट हैं असम ट्रेडर वालों से खास तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है ना वो एक रिलैक्सेशन पैदा लेके आए, ताकि लोगों के लिए अट्रैक्ट बने वो चीज़ कि अगर आपने मैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की अपनी तरफ से एक पेशकश करता हूँ, जैसे कि आपका 1.5 साल का पेमेंट प्लान है उसको 2 साल कर दें, ठीक है जी। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है फर्ज कर लें कि 1 लाख रुपए, तो आप उसको 80,000 कर दें, 70,000 कर दें, बीच में मिनिमम पेमेंट कर दें, तो आपका टाइम पीरियड भी पूरा हो जाता है, आपकी अमाउंट भी पूरी हो जाती है, और आपकी क्लाइंट को एक फेवर भी मिल जाती है। दूसरे नंबर पे मैं इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। साइड इफेक्ट क्या है? आप मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि आपने मुझे कहा एक बिल्डिंग बनाने में, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है, हम आप ही के प्रोजेक्ट की मिसाल कर रख लेते हैं। अब मैंने आपके प्लाट मैंने बुकिंग कर ली, XYZ ने बुकिंग कर ली, ठीक है जी। आपके उस प्रोजेक्ट में हम 3 मदों ने बुकिंग कर ली, टोटल आपके पास 3 अपार्टमेंट है, जो हम 3 ने ले ली। अब उसका आपने पेमेंट शेड्यूल रखा होगा कि भाई फर्ज करने के भाई 2 रुपए शुरू में है और 50 पैसा जो है मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये कुछ भी आपका शेड्यूल होगा। आप उस शेड्यूल में हमने डाउन पेमेंट आपको दे दी, बुकिंग करनी, और हम तीनों ने इंस्टॉलमेंट रोक लिया, 3 में से 1 ने या 2 ने रोक लिया, ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ही इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट वक्त पे जमा नहीं करेंगे तो वक्त आने पर आप पोजीशन की दावेदार भी नहीं होंगे, आप उस चीज को क्लेम कर ही नहीं सकते जिस चीज की आपने पेमेंट नहीं दी। आप के चंद लोगों की वजह से बेशुमार लोग जो वक्त पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उनको उनका जो काम है वो डिले हो जाता है। तो आपने अगर किसी जगह कोई बुकिंग करवाई है या किसी भी प्रोजेक्ट में, वहां पे इंस्टॉलमेंट वक्त भरते हैं, और ये एक बंदे के काम करने से ये काम ठीक नहीं होगा, सब जब एक साथ ही काम करेंगे तो ये काम ठीक होगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम 10 बंदे मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी, और 10 बंदे 100 बंदों के लिए आते हैं, 100 में से 30 बंदे मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 70 नहीं दे रहे। अब 30 तो मेरे खर्चे हैं, 70 पे मैंने काम करना है। अब जो 70% मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो फिर मैं प्रॉफिट कहां से निकालूंगा, मैं ऑफिस से खर्चा कहां से निकालूंगा, स्टाफ की पे कहां से निकालूंगा, उस प्रोजेक्ट पे जो लेबर बैठी हुई है, जो ला के मैंने मटेरियल फेंक दिया है फर्स्ट डे, और जो लेबर मैंने बिठा दिए, लेबर की जो अखराजात है, खाना पीना रिहायश और उनकी जो पे है वो मैं कैसे निकालूंगा।
वो हम इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते इसलिए हैं ताकि लोगों के लिए कंफर्टेबल तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकें, उन पे लोड ना पड़े एक साथ अमाउंट देने का। और साथ ये प्रोजेक्ट हम एक टाइम फ्रेम रख लेते हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करके आपको दे सकें। और ये सारी चीजें उस टाइम मुमकिन है जब बिल्डर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ एक तरीके से काम करें, बिल्डर भी अपना 100% दे, क्लाइंट भी अपनी वक्त पर इंस्टॉलमेंट जमा करवाए, तो प्रोजेक्ट आपको जो बताया हुआ टाइम है उससे 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मेरे जहन में जो पाकिस्तान को लेकर सवाल थे, ख्वाब वो सियासी के हवाले से थे, एजेंट के हवाले से थे, इन्वेस्टर के हवाले से, या इन्होंने आखिर में बहुत प्यारा सवाल किया कि एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी हवाले से जो मेरे जहन में था तो आप तक पहुंचाने के बारे में वो हमने बाखूबी तरीके से पहुंचाया। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे साहिबान के चैनल के रेफरेंस से। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और हमने पाकिस्तान के हालात के बारे में बात की और इससे हमारे व्यूवर्स को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। आखिर में हर वीडियो की तरह एक ही बात कहूंगा, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा तरोताजा रखे।